है शादी पे मर्दों को जल्दी खाना दे दिया जाता है, औरतों को लेट दिया जाता है, इसकी क्या वजह है? औरतें शापर भरती है ना। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो जी हाँ, कैसे हैं आप तमाम दोस्त? हमारी तरफ से आप तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, शादी और बेइज्जती एक जैसी होती है, अच्छी तभी लगती है जब दूसरे की हो। और यार वैसे आपस की बात है, गुस्सा करना मर्द की निशानी है और गुस्से को पी जाना शादीशुदा मर्द की निशानी है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको शादियों के दौरान होने वाले ऐसे मजाहिया तरीन कारनामे दिखाने वाले हैं जिनको देखकर जरूर आप अपनी हंसी को नहीं रोक सकेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक लाजमी देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना वीडियो। दोस्तों, हमारे वीडियो का सबसे पहला क्लिप देखें जिसमें एक कपल फोटोग्राफी करवा रहे होते हैं, लेकिन आगे इनके साथ क्या सीन हुआ ये भी जरा देख लें। And this is how I met her. और नाज़रीन, अब सिर्फ दुल्हे के काम चेक करें, अपनी दुल्हन को देखकर नीचे गिर जाता है, लेकिन साथ बैठा चाचा इसको देखकर हैरान और परेशान हो जाता है कि दुल्हे को क्या हो गया। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। दोस्तों, यकीनन ये तो आपने सुना होगा कि मोहब्बत अंधी होती है, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद मुझे यकीन हो चुका है कि वाकई मोहब्बत अंधी होती है। और जब मेरे दोस्त को दूध पिलाई की रस्म पर ससुराल वाले दूध पिलाएं तो लोग फिर मेरे दोस्त का गिलास चेक करें। देख लो भाई, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। और अब जरा इस भाई के काम चेक करें, ये गरम सालन वाला लुकमा अपने मुंह में डाल लेता है, लेकिन आगे इसका रिएक्शन चेक करें और जरा कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके साथ कभी ऐसा सीन हुआ है या नहीं। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा। दोस्तों, इस भाई के साथ वो गजब का प्रैंक हो जाता है, ये अपने दूल्हे दोस्त को सलामी पेश करने के लिए जाता है, लेकिन आगे इसके साथ क्या सीन हुआ ये भी जरा देख लें। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। नो 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 नो। और नाज़रीन, अब सिर्फ पापा के जंगी जहाज के काम चेक करें, अपनी ही बारात में नाचना शुरू कर देता है। ये रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। और नाज़रीन, कुछ सिंगल लोगों के शादी होने के ख्वाब बस ख्वाब ही रह जाते हैं। अब जरा इस भाई की बात सुने और अपनी हंसी को रोक कर दिखाएं। जब मेरी शादी होगी, छोटे छोटे बच्चे होंगे, बच्चों की मम्मी आओगी मेरे पास, बोलेगी चिंटू के पापा रोटी खा लो। और नाज़रीन, कुछ औरतें अपने शोहर से कहती हैं कि वापसी पर कोई चीज लेते आना। मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ, थोड़ा सा ख्याल करें, कहीं ऐसा ना हो कि आपका शोहर कोई चीज लेने के बजाय कोई दुल्हन लेकर आ जाए, फिर आपका जिसका पूरा हो जाएगा। जड़ी औरत अपने मियां नु आंदी है ना, बिजांदी मेरी कुछ है लेई वे। अभी और सुनिए, किते जड़े दूजी बीवी ले आया मोर राज लेसो। और अब जरा इसके काम चेक करें, ये बलाओं से टलने का वजीफा कर रहा है। अरे भैया, इसको कौन बताए कि इस मौके पर वजीफा काम नहीं आता। कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। और नाज़रीन, शादी के मौके पर कभी कभी ऐसे सीन भी रिकॉर्ड हो जाते हैं जिनको देखकर शायकीन हंसने पर मजबूर हो जाते हैं। अब सिर्फ दूल्हे के काम चेक करें, ये पैसे उठाना शुरू कर देता है। नो 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 नो। क्या कर रहे यार तू? मजाक है क्या? और यार वैसे आपस की बात है, पाकिस्तानी आवाम शादी से 2-3 दिन पहले खाना पीना बंद कर देते हैं ताकि शादी पर ही खाएंगे। अब सर इनके ही काम चेक कर दें। Thank you.
दोस्तों ये लड़के अपने बॉयफ्रेंड से कहते हैं कि जिससे मेरी शादी हो रही है वो मुझे हर चीज लेकर देगा। आगे इस लड़के का जवाब सुने और अपनी हंसी को रोक कर दिखाएं। मेरी शादी हो रही है और जिससे मेरी शादी हो रही है वो मुझे सब कुछ देगा, महल, दौलत, शौहरत, इज्जत, यहाँ तक कि अपने ऊंचे खानदान का नाम। तुम बताओ तुम क्या दे सकते हो मुझे इस सबके बदले? अपना दिल। दोस्तों ये एंकर सवाल करती है कि शादी के मौके पर औरतों को लेट खाना क्यों मिलता है। आगे सिपाही का जवाब सुने और अपनी हंसी को रोक कर दिखाएं और ये वीडियो औरतों को लाजमी शेयर करें। हमारे शादी पे मर्दों को जल्दी खाना दे दिया जाता है, औरतों को लेट दिया जाता है, इसकी क्या वजह? औरतें शापर भरती है ना। और नाज़रीन अब सिर्फ पापा की परी के काम चेक करें। शादी पर खाना खाने के लिए जाती है लेकिन खाना खाने के बजाय शापर में डालना शुरू कर देती है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। वाह दीदी वाह दीदी। नहीं दीदी वाह दीदी। और दोस्तों अब जरा इस चाचे का जंगी जहाजों वाला डांस भी देख लें। चकुड़ी हुंदी तो ब्याह के तोर भी देंदी, तेरा की करा। और दोस्तों पाकिस्तानी आवाम का खाने के मामले में अपना एक अलग ही मकाम है। अब सरन के काम चेक करें, परात टेबल पर पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाती है। तौबा, 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 मेरे और नाज़रीन तारीख गवाह है। जो लड़कियां हैंडसम लड़का तलाश करने के चक्कर में रहती हैं उनको आखिर पर जंगी जहाज ही मिलते हैं। तो चलिए अब हम आपको इसका सबूत भी दिखाते हैं। म्यूजिक और दोस्तों सबसे पहले इनकी मस्तियां चेक करें लेकिन एंड पर इस लड़के की दुख भरी कहानी भी सुन लें। आप वीडियो देख लो एक बारी। आयो जमा जिन्ने भी लोग सिंगल ने ना आ कमेंटा जा आप अपने एड्रेस भेज दो, शामी 7 बजे तक ताड़े सारे को जहर पहुंच जूगा। आप मर जाने हड्डी ते कोई जिंदगी है ही नहीं ना। दोस्तों बुजुर्ग कहते हैं पैसे बचा कर रखो बुढ़ापे में काम आएंगे। ये वीडियो देखने के बाद मुझे इस बात का मतलब समझ आया। ये वीडियो अपने ऐसे दोस्तों को लाजमी शेयर करें जो अभी तक सिंगल हैं। नो 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 नो। और दोस्तों अगर वरने की बात करें तो वरने से कहते हैं अब सिर्फ दुल्हन के काम चेक करें। ये दुल्हे से नहीं बल्कि दुल्हे के बाप से शादी करने के लिए राजी हो जाती है। रुकिए, मैं 5G जवानी की मॉडल लड़की हूँ। जयमाला होने से पहले मैं लड़का से कुछ पूछना चाहती हूँ। अरे हाँ बेटी पूछिए, बिंदास पूछिए। आप क्या करते हो? हम तो कुछ ना करते हैं लेकिन हमारे बाप के पास गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, नौकर है, चाकर है, सब कुछ है। हम खाली ऐश करते हैं। तो तू यहाँ पर क्या कर रहा है? झाटू बाप को भेज। पापा क्या हुआ बेटी, कोई दिक्कत? कुछ नहीं डाली, आज से हुए हम दोनों पति पत्नी, ये हुआ हमारा बेटा। नाज़रीन ऐसे दोस्त हो तो जिंदगी को 4 चांद लग जाते हैं। अब सरन के काम चेक करें, अपने दूल्हे दोस्त को बचाने की डिमांड कर रहे हैं। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको ज्यादा पसंद आया कमेंट बॉक्स में लाजिम बताएं। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में।